ये है वाटर और ये है मेरे हाथ में नाइट्रिक एसिड, तो मैं इस नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट करने जा रही हूँ। और हमें पता है कि एसिड को डाइल्यूट करने का मेथड क्या है, वाटर में एसिड ऐड करना, वो भी धीरे धीरे। तो इस ग्लास रॉड की हेल्प से मैं धीरे धीरे एसिड को क्या करूँगी, वाटर में ऐड करूँगी। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, इसलिए मुझे ये धीरे धीरे करना है। तो देख रहे हैं कि ये हमने नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट कर लिया है और इस डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड में ऐड करने जा रही हूँ ये मैं आयरन नेल्स, और देखते हैं कि क्या होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ आयरन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, रिएक्शंस हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड और आयरन के बीच में। तो यहाँ आयरन नाइट्रिक एसिड में से हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, यहाँ से जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स बन रही है। क्लोज लॉक बेटा, जरा क्लोज से करो। तो देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, साथ में यहाँ बन रहा है आयरन नाइट्रेट। हम देख रहे हैं कि कितना वाइग्रस रिएक्शन हो रहा है ये आयरन और नाइट्रिक एसिड के बीच में, और ये ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, साथ में नीचे बन रहा है आयरन नाइट्रेट। और रिएक्शन अभी भी 5 मिनट हो गया, बट रिएक्शन अभी भी कंटिन्यूड है। तो ये फाइनली हमारा आयरन नाइट्रेट बन चुका है, और ऊपर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के येल्लो येल्लो जो फ्यूम्स दिख रहे हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का येल्लो फ्यूम्स है, और नीचे है आयरन नाइट्रेट। थैंक यू।